नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीटीएच ब्रदर प्लेटफॉर्म में, राष्ट्रीय स्तरीय शिक्षा। दिस इज अमीना जी फ्रॉम बीटीएच ब्रदर। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जो बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से मॉडल पेपर जारी किया गया है, हिस्ट्री सब्सिडरी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले एंशियंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस पेपर वन, पेपर टू और हिंदी का पूरा वीडियो बन चुका है, जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहेगी। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है, इतिहास एक अध्ययन है अतीत का, समाज का, कानून का या पर्यावरण का। तो किसका अध्ययन होता है इतिहास में? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, अतीत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दो कह रहा है, रामायण के रचयिता कौन है? तुलसीदास, वेदव्यास, वाल्मीकि या रामदास। तो कौन है? दो का करेक्ट आंसर होगा सी, वाल्मीकि। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 5, 7, 11 या 18। तो कितने हैं पुराणों की संख्या? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 18 पुराणों की संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। चार पर है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कालिदास, कल्हड़, रामदास या तुकाराम। तो कौन है राज तरंगिणी के लेखक? चार का करेक्ट आंसर होगा बी, कल्हड़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। पांच नंबर कह रहा है, द हिस्ट्रीज के लेखक कौन है? हेरोडोटस, मेगास्थनीज, प्लिनी या पुल्टा। तो कौन है? पांच का करेक्ट आंसर होगा ए, हेरोडोटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। छह नंबर कह रहा है क्वेश्चन, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस, यूरोपीडस, प्लूटो या प्लिनी। तो किसको कहा जाता है इतिहास का पिता? छः का करेक्ट आंसर होगा ए, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा था कि इतिहास वर्ग संघर्ष की घटना है? कार्ल मार्क्स, कॉलिंगवुड, ईएचकार या इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा था? सात का करेक्ट आंसर होगा ए, कार्ल मार्क्स कहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विक्रम संवत कब लागू हुआ? 58 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व, 73 ईसा पूर्व। तो कब लागू हुआ? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 57 ईसा पूर्व। कहीं कहीं 58 ईसा पूर्व भी मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नौ नंबर पर है, शक संवत किस राजा ने शुरू किया था? अशोक, कनिष्क, हर्ष या समुद्रगुप्त। तो किसने शुरू किया था? नौ का करेक्ट आंसर होगा बी, कनिष्क ने शुरू किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। दस नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? काली सावंत, विक्रम सावंत, शक सावंत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस पर आधारित है? दस का करेक्ट आंसर होगा सी, शक सावंत पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विक्रम सावंत और शक सावंत में कितने वर्षों का अंतर है? 57 वर्ष, 58 वर्ष, 135 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो कितने वर्ष का अंतर है? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 135 वर्ष का अंतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर कह रहा है, कार्बन डेटिंग पद्धति के जन्मदाता थे? हेरोडोटस, हीगेल, बिलाड लीबी या इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे? 12 का करेक्ट आंसर होगा सी, बिलाड लीबी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। 13 कह रहा है, कार्बन डेटिंग पद्धति का उपयोग किस चीज के उम्र निर्धारण करने में होता है? जीवाश्म, बी ग्रह, सी चट्टान या इनमें से कोई नहीं। तो किस में होता है? 13 का करेक्ट आंसर होगा ए, जीवाश्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। 14 कह रहा है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, धार्मिक या इनमें से कोई नहीं। तो किससे संबंधित है कौटिल्य का अर्थशास्त्र? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, अर्थशास्त्र से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, इंडिका, राजतरंगिणी या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? कल्हड़ साहब कौन पुस्तक लिखे थे? इसका करेक्ट आंसर होगा
सी राज त्रंगड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर कह रहा है महाभाष्य को किसने लिखा था, कौटिल्य, पतंजलि, कालिदास या इनमें से कोई नहीं। तो किसने लिखे थे, 16 का करेक्ट आंसर होगा बी, पतंजलि ने लिखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। 17 पर है हर्ष चरित्र के लेखक कौन है, कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि या इनमें से कोई नहीं। तो कौन है, 17 का करेक्ट आंसर होगा बी, बाणभट्ट है, हर्षचरिता के लेखक बाणभट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चंद्रवरदाई ने किस पुस्तक को लिखा था, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, परमल रासो या इनमें से कोई नहीं। तो कौन से पुस्तक लिखे थे चंद्रवरदाई ने, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, पृथ्वीराज रासो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन विदेशी यात्री भारत में पहली बार आया था, मेगास्थनीज, फाहियान, इत्सिंग या इनमें से कोई नहीं। तो कौन होता, कौन आया था, 19 का करेक्ट आंसर होगा ए, मेगास्थनीज आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी को किसने लिखा था, वेदव्यास, पाणिनि, वाल्मीकि या इनमें से कोई नहीं। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, इनका करेक्ट आंसर होगा बी, पाणिनि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। 21 कह रहा है इब्न बतूता किस देश से आया था, मोरक्को, पर्सिया, तुर्की या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से आया था इब्न बतूता, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मोरक्को से आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर पर है कौन चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय आया था, ए, फाहियान या बी, ह्वेनसांग या सी, इत्सिंग। तो कौन आया था, 22 का करेक्ट आंसर होगा बी, ह्वेनसांग आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। 23 कह रहा है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल या इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 24 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, जॉर्ज मार्शल, दयाराम साहनी, आर आर बनर्जी या इनमें से कोई नहीं। तो किसने किए थे, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दयाराम सहनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, 1901 ईस्वी या बी कह रहा है 1921 ईस्वी या सी 1935 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 1921 में खोज हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। 26 कह रहा है न्यूमिलियस्मेटिक क्या है, हस्तलिपि का अध्ययन, सिक्कों और धातु का अध्ययन, कॉपर प्लेटों का अध्ययन या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, 26 का करेक्ट आंसर होगा बी, सिक्कों और धातु का अध्ययन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। 27 कह रहा है अशोक के हस्तलिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था, जॉन टावर, हैरी स्मिथ, जेम्स प्रिंसेप या इनमें से कोई नहीं। तो कौन पढ़ा था, 27 का करेक्ट आंसर होगा सी, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे पहली बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। 28 पर है अशोक का अधिकांश लिपि किस भाषा में है, प्राकृतिक और ब्राह्मणी लिपि, संस्कृत और प्राकृतिक लिपि, पाली और प्राकृतिक लिपि या इनमें से कोई नहीं। तो किस लिपि में है, 28 का करेक्ट आंसर होगा ए, प्राकृत और ब्राह्मणी लिपि में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। 29 कह रहा है कौन सी लिपि दाहिने से बाईं लिखी जाती है, ब्राह्मणी लिपि, शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी लिपि लिखी जाती है, 29 का करेक्ट आंसर होगा सी, खरोष्टी लिपि को दाहिने से बाएं की तरफ लिखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के सैनिक अभियान का वर्णन किस हस्तलिपि में मिलता है, ईरान के, गया के, प्रयाग के या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से मिलता है, 30 का करेक्ट आंसर होगा सी, प्रयाग के, प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। 31 कह रहा है सिक्के का प्रचलन भारत में कब आया था, 600 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, 150 ईसा पूर्व या इनमें से कोई नहीं। तो कब हुआ था, 31 का करेक्ट आंसर होगा बी, 300 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। 32 कह रहा है भारत में सोने का सिक्का किसने चलाया था, कुषाण, इंडो बैक्ट्रियन, शॉक या इनमें से कोई नहीं। तो किसने चलाया था, 32 का करेक्ट आंसर होगा
इंडो बैक्टीरियन सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन किया था। और क्वेश्चन कहे कि सोने का सिक्का सबसे ज़्यादा किसने चलाया था, कुषाण वंश के राजा समुद्रगुप्त ने चलाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 कह रहा है चचनामा पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी, पर्शियन भाषा, हिब्रू भाषा, अरबी भाषा या इनमें से कोई नहीं। तो किस भाषा में लिखी गई थी चचनामा पुस्तक, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, अरबी भाषा में लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। 34 कह रहा है पूरा पाषाण काल के लोगों का जीवन कैसा था, शहरी, ग्रामीण, आदिम या इनमें से कोई नहीं। तो कैसा था, 34 का करेक्ट आंसर होगा सी, आदिम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। 35 कह रहा है पूरा पाषाण काल के लोगों का पेशा क्या था, खेती, मुर्गी पालन, शिकार करना या इनमें से कोई नहीं। तो कैसा था, 35 का करेक्ट आंसर होगा सी, शिकार करना। पूरा पाषाण के लोगों का मनोरंजन का क्या साधन था, जूता, जुआ, संगीत, शिकार या इनमें से कोई नहीं। तो क्या था पूरा पाषाण काल के लोगों का मनोरंजन का साधन, 36 का करेक्ट आंसर होगा सैंतीस कह रहा है पूरा पाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था, आग का, पहिया का, धातु का या इनमें से कोई नहीं। तो क्या था, 37 का करेक्ट आंसर होगा ई, आग का, आग का खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38 कह रहा है पूरा पाषाण काल के अवशेष कहाँ मिले हैं, पंजाब में, कन्नड़ में, सॉरी कलकत्ता में, सी लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ मिला है, 38 का करेक्ट आंसर होगा ए, पंजाब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। 39 पर आए भीम बेट का मध्य पाषाण संस्कृत स्थल स्थित है, कहाँ है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ है, 39 का करेक्ट आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। 40 कह रहा है भीम बेट का प्रसिद्ध है, पेंटिंग के लिए, खनिज के लिए, धातु के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए प्रसिद्ध है भीम बेट का, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें प्राचीन काल के लोगों द्वारा पेंटिंग किया गया है इसलिए प्रसिद्ध है भीम बेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। 41 पर है पाषाण युग के लोगों ने किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया था, गधा, कुत्ता, भेड़ या इनमें से कोई नहीं। तो किसको पालतू बनाया था, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 42 पर है पहला अनाज जिसे मनुष्य ने उपयोग में लाया था वह है, गेहूँ, चावल, जौ या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, 42 का करेक्ट आंसर होगा सी, जौ है, इसके बाद गेहूं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। 43 पर है पहला धातु जिसको मनुष्य ने प्रयोग में लाया था वह है, सोना, चांदी, कॉपर या इनमें से कोई नहीं। तो क्या था, 43 का करेक्ट आंसर होगा कॉपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। 44 पर है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान कैसे थे, पक्का, पत्थर, लकड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो कैसी थी, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, पक्का थी, नगरीय सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। 44-45 पर है सिंधु घाटी के लोग डय से व्यापार करते थे, चीन से, मेसोपोटामिया से, पार्सियन से या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से करते थे, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मेसोपोटामिया से करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। 46 का राज्य सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी, नगर योजना, ग्रामीण योजना, स्नानागार या इनमें से कोई नहीं। तो कैसी थी, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, नगर योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 47 का रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर से अपरिचित थे, बैल, घोड़ा, जिराफ या इनमें से कोई नहीं। तो किससे अपरिचित थे, 47 का करेक्ट आंसर होगा सी, जिराफ से अपरिचित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 कह रहा है सबसे प्राचीन शहर की खोज भारत में कहाँ हुई थी, हड़प्पा, रंगपुर, लोथल या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ हुआ था, 48 का करेक्ट आंसर होगा ए, हड़प्पा में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
49 कह रहा है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, 14 दिन, 16 दिन, 18 दिन या इनमें से कोई नहीं। कितने दिन तक चला था, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 18 दिन तक चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का या लास्ट क्वेश्चन होगा, संस्कृत व्याकरण की रचना इनमें से किसने की, कालिदास, पाणिनि, आर्यभट्ट या इनमें से कोई नहीं। तो किसने की, 50 का करेक्ट आंसर होगा ए, कालिदास ने किए थे। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहेगी। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।